हेलो दोस्तों स्वागत है आपका डेली एच गाइड में तो दोस्तों आज हम बात करेंगे वर्क प्लेस सेफ्टी के बारे में तो चलिए शुरुआत करते हैं सेफ्टी इज एवरी वन रेस्पॉन्सिबिलिटी बाई फॉलोइंग सिंपल गाइडलाइंस वी कैन ऑल कंट्रीब्यूट टू सेफ वर्क एनवायरमेंट सेफ्टी सभी की जिम्मेदारी होती है हम सिंपल गाइड रूल्स को फॉलो करके हम अपना योगदान दे सकते हैं सेफ वर्क एनवायरमेंट में ऑलवेज कीप योर वर्क एरिया क्लीन एंड ऑर्गेनाइज

फॉर द जॉब हमें हमेशा उचित पीपी का इस्तेमाल करना चाहिए जो इंक्लूड करता है हेलमेट, चश्मा, और जरूरी इक्विपमेंट जो रिक्वायर्ड होता है काम करने के लिए यूज प्रॉपर लिफ्टिंग टेक्निक्स टू अवॉइड इंजरी बेंड एट नीज कीप lift एंड your लेग हमें प्रॉपर मैनुअल लिफ्टिंग टेक्निक को फॉलो करना चाहिए टोवाइड इंजरी हमें घुटनों के बल झुक के अपने बैग को सीधा रखना चाहिए और पैरों के मदद से सामान को उठाना चाहिए नो योर वर्क प्लेस इमरजेंसी प्रोसीजर प्रैक्टिस फायर ड्रिल्स रेगुलरली एंड नो हाउ टू यूज फायर एक्सग्यूशन हमें वर्क प्लेस के इमरजेंसी प्रोसीजर के बारे में पता होना चाहिए हमें प्रैक्टिस करना चाहिए फायर ड्रिल्स को रेगुलर बेस में और कैसे फायर एक्स्यूशन का इस्तेमाल किया जाता है हमें यह भी जानना चाहिए Take regular breaks and stretch to avoid strain and fatigue. Listen to your body and take rest when needed. हमें समय समय पर ब्रेक और स्ट्रेच लेना चाहिए ताकि बॉडी में होने वाले थकान व तनाव को दूर कर सके हमें रेस्ट लेना चाहिए जब भी बॉडी में थकान महसूस हो रिमेंबर सेफ्टी इज एवरी वन रेस्पॉन्सिबिलिटी बाय वर्किंग टूगेदर वी कैन क्रिएट अ सेफर वर्क प्लेस फॉर ऑल हमें ध्यान रखना चाहिए कि सेफ्टी सभी की जिम्मेदारी होती है और हम सभी एक साथ काम करके सेफ वर्क प्लेस बना सकते हैं तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको एक इंफॉर्मेटिव वीडियो लगा होगा अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और अपने दोस्तों से शेयर करना ना भूलें मिलते अगले एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए टेक केयर बाय